हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यमी थी। पहले मैंने 5 आलू ले लिए हैं, अब इसको जो हमने ग्रेटिंग कर लेना है। यहाँ पर हमने आलू की ग्रेटिंग करने के बाद एक बाउल के अंदर इस तरीके से जो है हमने कपड़ा बिछा लिया और ये सारे आलू जो है हमने इसके अंदर कपड़े में डाल लेना। अब हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से इसका आलू का जो पानी है वो निकाल लेना है। हमने ये पानी का आलू के पानी जो है बहुत अच्छे से हमने सारा निचोड़ लेना है। यहाँ पे इसका पानी निचोड़ लिया था तो ये इस तरीके से बन गया है। ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल खुश्क हो गया है। इतना आपने ज्यादा इसको निचोड़ना है कि इस तरीके से बिल्कुल खुश्क हो जाए। ये देखें यहाँ पे आलू का पानी इस तरीके से निकल चुका है और ये जो बहुत आराम से जो इसका आलू का पानी है ये जो इसको हमने अलग से निकाल लेना है, ये फेंक देना है हमने। तो ये देखें ये जो बाकी का ये जो इसका स्टफ बचा है आलू का आपको नजर आ रहा होगा इसके अंदर हमने एग को जो है मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने 3 जो है अंडे ले लिए, 3 एग्स ले लिए, इसको इसके अंदर इस तरीके से करके आपने मिक्स कर लेना है। इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अब हमने इसमें जो है 1 टीस्पून जो है नमक डाल दिया है, 1 टीस्पून हमने जो है रेड चिली पाउडर डाल दिया है, 1 टीस्पून रेड क्रश की भी रेड चिली ऐड कर दिए और थोड़ा सा हमने इसमें पुदीना ऐड कर दिया। बस अब इसमें लेमन जूस ऐड कर देना और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना। अब हमने इसके अंदर जो है अंडे जो हमने फेंटे सारे मसालों के साथ मिक्स करके अब इसमें हम अपने ग्रेट के आलू जो है ऐड कर देंगे। इसमें आलू डालने के बाद हमने 2 टेबल स्पून जो है बेसन को ऐड कर देना है और इसमें हमने 4 टेबल स्पून जो हमने इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर देना है। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। देखिए ये बहुत अच्छे से जो अच्छे तरीके से जो है मिक्स हो गया और आप आपको इसमें आलू भी इस तरीके से नजर आ रहे होंगे और ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे। यहाँ पर मैंने जो है ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें पकोड़े डाल रही हूँ। जब ये एक तरफ से पकोड़े पक जाएं तो फिर आपने इसको पलट देना है। ये देखिए हमारे एक तरफ से रेडी हो चुके हैं, अब ये मैंने पलट दी है। अब इसको दूसरी साइड से रेडी होने के लिए छोड़ देंगे। ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी बने और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। ये देखें यहाँ पर हमारे क्रिस्पी पकौड़े रेडी हो चुके हैं और इसमें ब्रेड क्रम्स का और अंडों का बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आएगा। आप ये जरूर ट्राई करिएगा क्योंकि आजकल तो अफ्तारी में वैसे ही पकौड़ों का बहुत ही सीजन चल रहा है, तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कमेंट्स देकर जरूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। Stay healthy, stay blessed. Thank you for watching this video. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।